तेरा वीडियो भी अपलोड करो ना। इसका होता है इतना पीरियड होता है, पीरियड की वजह से लड़की लोगों का इतना प्रॉब्लम होता है। आप शायद हमारा आसपास के कहीं के होंगे, उनको गलत नजरे से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, माय मॉम कॉल्ड चैनल। मैं डेस्कटॉप में मां दोनों मिला के चुप, इतनी स्पीड बोला कि मेरा जीभा अटक गया दांत के अंदर। उसके बाद मैं पापा का नाम बोला भूल गया, लाइक ऐसा माय मॉम कॉल्ड मी चुनियन, माय डैड कॉल्ड मी मां, डैड बराबर जस्ट ऐसा हो गया। स्पीड बोलने टाइम ऐसा होता है। तो बहुत दिन से यार सुपर बाइक को मैंने चलाया नहीं है। आप लोगों ने देखा बहुत ब्लॉग्स पे मैं सुपर बाइक को मां इतना मिस किया यार। यार टायर लग गया। बहुत दिन से अपना सुपर बाइक को मैं चलाया नहीं है, तो बहुत ज्यादा मुझे दुख लग रहा है उस बात को लेके। लेकिन आज मेरा जितना सब्सक्राइबर है ना, उन लोगों के लिए कुछ मैं आज पूछने वाली हूँ अपने को लेके। मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या गलत नहीं कर रही हूँ? लोग मुझे जो इतना खराब खराब कॉमेंट कर रहे हैं, ये सच में कर रहे हैं या ऐसे कुछ मुझे ना पसंद कर रहे इसीलिए कॉमेंट कर रहे हैं, वो सब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ मेरा डियर सब्सक्राइबर। तो प्लीज आप लोग, आज मैं थोड़ा दुखी हूँ, आप लोग आज मुझे संभालना पड़ेगा। 100% में से 90% लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। उनमें से कुछ 10% लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। इतना गंदा 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 कमेंट किया है ना, जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, इतना गंदा कमेंट किया। क्योंकि देख, हम तो बनाते हैं व्लॉगिंग और मैं अकेली थोड़ी व्लॉगिंग बनाती हूँ, कभी मेरा भैया मेरे पास होता है, कभी मेरा मम्मी पापा मेरे पास होता है, और वो भी लोग तो मेरा कमेंट ऑफकोर्स देखते हैं ना, मेरा कमेंट देखते हैं, हर एक कमेंट मेरा मम्मी पापा देखते हैं। जब गंदा कमेंट आएगा तो उन लोगों को भी तो शर्म आएगा ना। तो इसी बात को लेकर मैंने सोचा आज आप लोगों से मैं कुछ डिस्कस करूंगी। इससे पहले जब क्या होता, नया नया यूट्यूब चैनल मैंने खोला था, उसके बाद कभी कभी कुछ गंदा गंदा कमेंट भी आता था, तो मैं इतना गंदी थी ना, वो सब थी ना, मैं शर्म आता था मुझे पढ़ने के लिए। अरे भाई ये क्या कमेंट कर दे, इस शर्म आता है यार, इतना गंदा कमेंट किया, मैं जाके रिमूव कर देती हूँ। लेकिन रिमूव करना नहीं चाहिए, उन लोगों को जवाब देना चाहिए। मैंने सोचा उस चीज को लेकर चुप रहने से अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों से जस्ट पूछना चाहती हूँ, मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, या लोग जो मुझे ऐसा कमेंट कर रहे हैं ये सही है या गलत है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। तो मेरा थोड़ा दिमाग सटका हुआ है, लेकिन क्या क्या कमेंट आप लोग सुन के आप लोगों को शौक हो जाएगा, क्या एलिस का वीडियो पे भी ऐसा कमेंट आता है, आप लोगों को भी ऐसा लगेगा। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, पहले अपने सुपर बाइक को लेके एक अच्छे से जगह पे जाती हूँ, उधर पे बैठ के अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो कमेंट है, मेरे पास तो एक ही फोन है और पापा का फोन मैं कभी कभी पकड़ती हूँ। पापा को अभी बाहर जाने का काम है, तो पापा का फोन तो मैं ले जा नहीं सकती, तो भैया का अपना खुद का फोन है। तो मैं अपना जो कमेंट है ना पसंद करते, पसंद करने वाला लोग ज्यादा, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, लेकिन उनमें से एक दो ही है जो पसंद नहीं करते, लेकिन उनका कमेंट मैंने एक कॉपी पे लिख के रखा है, तो उस कॉपी को मुझे लाना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा फोन नहीं है उनके पास ना, क्या करें। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे सारा कमेंट है जिन्होंने गलत गलत मुझे कमेंट किया, तो इस कमेंट को अभी अपना बाइक पे रखने वाला है। मेरे पास प्लास्टिक भी नहीं है, मैं किधर पे रखूं पता नहीं, तो चलो ये रखते हैं, अभी यहाँ पे घुसा देती हूँ। घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा, कहाँ पे घुसाऊं मैं ये? अपुन इंडियन है ना, अपने पास अपुन का सब जुगाड़ होता है, हमें प्लास्टिक की जरूरत नहीं होता। बाइक का कोई भी फिता विता नस बस के अंदर घुसा दो, गिरेगा नहीं तो क्या फायदा, दर्शे का बात नहीं है। तो सुपर बाइक पे उठते हैं, बहुत दिन हो गया मैंने चलाया नहीं है, पीछे जाओ मम्मी 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 से कुछ पूछने वाले था। बचपन से मैं कैसी हूँ आप थोड़ा बताओ तो, शैतान हुई मैं अच्छी हुई कैसा हूँ, रखो ना थोड़ा सा, बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है, ठीक है? बचपन से ना इतना मैं शैतान थी ना, मेरा दिमाग इतना शैतान था, बोलो तो मैं क्या क्या करती थी बचपन में। मम्मी एक बार जब मैं डांस क्लास पे जाए रिक्शा थी बोली बिना पैसा दी, तो कहा तू कह कह आप लोगों को लगता होगा मैं ज्यादा करती हूँ, पर कसम माँ कसम मैं ऐसी ही हूँ, जो मेरे साथ रहता है ना उनको पता है मैं कैसी हूँ, मेरे सब्सक्राइबरों को पता है। तो इसको ढकने के लिए अपन को एक गमछा रखना पड़ेगा उसने, क्योंकि अपन के पास मेरा बाइक का चमड़ा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी यार। तो चलो वहीं चला के चलते हैं, और वहां से निकल चुकी हूँ, और मैं सोच रही हूँ ना, आज मैं बहुत दिन हो गया अपना फार्म हाउस में गया नहीं है, तो फार्म हाउस में जाएंगे, वहाँ का इन जगह भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत मेहनत से वो फार्म हाउस बनाया है ना हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा खूबसूरत
जब भी फ्लड आता है ना पानी में पूरा डूब जाता है, जब पानी खत्म हो जाता है पूरा पानी से बाहर निकल जाता है, और रास्ता जैसा है ना वहाँ पे इतना हाथी निकलता है यार, मतलब क्या ही बोलूं। और आगे से देखो तो मतलब मेरा आवाज इतना जोर से मैं बोल रही हूँ ना, आगे से हर कोई मेरे को देख रहा है। एक मानो तो सिनी पुआ सा लागी है सरे मुझे सिनी मुगे सिनी पाई ना पाई ना सिनी पाई ना हसर था को जिता रोले मतलब होता है ना भंगा जोता खरीदने आता है ना उनको तक भी मेरा नाम पता है, वो भी अभी से नहीं बचपन से, तो मुझे हंसी आती है। फाइनली हमें मुझे अभी मेरा फार्म हाउस मिल चुका है। यहाँ पे जो दो घर दिख रहा है ना ये हमारा फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस के अंदर जाके बात करेंगे। देखा इतना सुंदर फार्म हाउस है हमारा, मैंने बोला था ना आप लोगों को पूरा इंडिया में नहीं होगा ऐसा फार्म हाउस, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी मैं अपना पहुंच गई हूँ फार्म हाउस पे, और हमारा फार्म हाउस तो इतना सारा गाय है। ओए हम लोग का जमीन पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमारा जमीन पे, ऐसा क्यों देख रहे हो बे? ओए 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 उसके अंदर डर भी लगता है बे, सावा भी होने से क्या होगा, क्योंकि ऐसे ही बना के रख दिया फार्म हाउस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते अपना नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई, जिसका नाम हेटर है, लोगों स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका, मतलब अपना आईडी में भी रखा है हेटर बोल के। यस ऑफ कोर्स ही विल गेट ट्रोल, बट नॉट बिकॉज़ ऑफ दिस, बिकॉज़ ऑफ ओवर एक्टिंग ऑल द टाइम। व्हेनेवर आई सी दिस गर्ल, हेटफुल थॉट यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम माय माइंड। आई हेट दिस गर्ल विदाउट एनी रीजन, से उस भैया को मैं पसंद भी नहीं हूँ और उसका रीजन भी कुछ भी नहीं, विदाउट एनी रीजन। पहली बात तो ये, आप जो मेरा फैमिली के बारे में बोल रहे हो, मेरा फैमिली खराब है, हम लोगों के ऊपर लोगों के साथ गलत करते, ऐसा होने से आप शायद हमारा आसपास के कहीं के होंगे जो हम लोगों को गलत नजरे से देखते होंगे, क्योंकि मेरा जो फैमिली है और मेरा जो डैड पापा है ना, बहुत लोगों का हेल्प किया है, हम लोगों को पता है मेरा पापा कितना हार्ड वर्क करता है, कितना मेहनत करता है, ठीक है। तो मेरा फैमिली के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको कुछ कहना है मेरे ऊपर कहो, बट मेरा फैमिली के ऊपर नहीं। और आपको मैं पसंद नहीं हूँ विदाउट एनी रीजन, तो पता भी चल गया कि आपको मेरे से प्रॉब्लम है, और किस बात का प्रॉब्लम है आई डोंट नो। तो इस चीज़ को यहाँ पे खत्म करते हैं। कमेंट है अंगम सूरज का, जिन्होंने मुझे कहा कि ओवर एक्टिंग करती है, इतना ओवर एक्टिंग, वैसे पता नहीं आपको क्यों लगता है इतना ओवर एक्टिंग करती हो, आपको हमेशा मेरा ऐसा वीडियो पे हमेशा ऐसा कमेंट करते हो कि हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हो, कभी अच्छा है कभी कभी बोलता है कि प्रमोशन कर रहा है अपने चैनल का लोगों का मदद के जरिए, मतलब बहुत कुछ कमेंट करता है। तो नहीं है वैसे आपको पर्सनली मुझसे कुछ दुश्मनी है तो आप मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ कभी आपके साथ मैंने किस दुश्मनी किया या पिछले जन्म का कुछ दुश्मनी है। ऐसी ही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ, अभी ऐसी ही हूँ, जैसा हूँ ऐसे ही दिखाती हूँ, आपको ओवर एक्टिंग लगता है तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ। इतना ज्यादा गर्मी होने की वजह से मेरा फेस पे पूरा पसीना पसीना निकल गया, बाहर पे इतना ज्यादा धूप दे रहा है, अभी मैं क्या करूं, इधर पे मैं और नहीं रह सकती, तो मैं चलो अभी दूसरा लोकेशन पे जाती हूँ। इस लोकेशन मुझे अपना फार्म हाउस पे अच्छा नहीं लग रहा, तो कहीं और चलते हैं गाइस। बस हमेशा की तरह यहाँ पे भी मेरा बाइक रुक चुका है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, वो भी पूरा शमशान है वहाँ पे, शमशान के बीच यार, पर ये पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है ना वहाँ पे जाके अभी मैं आप लोगों से बात करने वाले। तो अभी वो जगह पहुंच गया है, वैसे बाइक नहीं घुसा सकते ना, तो मैंने बाइक उस तरफ पे रखा है, इतना ज्यादा धूप दिख रहा है ना, हालत खराब हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो ना कोई पेड़ वेड़ नहीं है, इतना दूर दूर है। अभी सर नेगेटिव कमेंट किया है ना यार, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम लिखा है मार्सन कथार ने बोला 2-1 का यूट्यूबर गेट लॉस टू मच ओवर स्मार्ट। वैसे आपने सही बोला, 2-1 का यूट्यूबर है वर्तमान, बट इतना हार्ड वर्क करना है ना मुझे, 2-1 से दामी यूट्यूबर भी बनना है मुझे। से खराब लगा था 2-1 का यूट्यूबर बोला, लेकिन पापा ने मुझे समझाया कि लोग पसंद करने से नापसंद करने वाले भी काफी लोग होंगे, तो उस बात को तुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इतना अच्छा सा कमेंट करता है वो सब देखो ना, ये सब क्यों देखते होते, ठीक है कोई बात नहीं। 100% में से आप ही तो एक बोला ना, 99% तो अच्छा ही बोला, आप ही सपोर्ट करना, ठीक है मार्सन का था, आप भी सपोर्ट करना। और अभी एक ऐसा इतना गंदा नेगेटिव कमेंट किया, ये सब तो नॉर्मल है, वो सब कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक ने इतना गंदा, इतना ज्यादा गंदा कमेंट किया ना, क्या है, रोलेन रोंगपी ने कमेंट किया, वो भी वीडियो भी अपलोड करो ना, लड़की के ऊपर ऐसा कमेंट करते हो, आप एक माँ के पेट से ही पैदा हुए हो ना, एक माँ का ही बेटे हो आप भी, आपने ऐसा जो कमेंट किया, इतना गंदा कमेंट किया एक लड़की के ऊपर, आप क्या सोच के किए होंगे, मुझसे आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इतना गंदा कमेंट किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा। मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, हमेशा लड़कियों का इज्जत करो, लड़कियों का रेस्पेक्ट करो, अपना बहन का, अपना माँ का, अपना गर्लफ्रेंड का, अपना बीवी का, सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़की एक ऐसा है ना, लड़की को हमेशा दर्द होता है, पैदा जब होती है, पैदा होने के बाद जब 13-14 ईयर्स का होता है, तब पीरियड होता है, पीरियड की वजह से लड़की लोगों का इतना प्रॉब्लम होता है,
हर महीना को वो लोग दर्द सहता है, पूरा फैमिली को एक साथ रखता है, अपना घर में काम करती है, अपना पढ़ाई भी संभालती है, कोई हाउसवाइफ है तो अपना घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, हर महीने को पीरियड को सहती है। इतना सारा दर्द होता है लड़कियों के लिए। वैसे मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, आप लोग किसी भी लड़कियों के ऊपर ऐसा कमेंट कभी मत करना, लड़कियों को ऐसा गलत बोलना बहुत पाप है, क्योंकि लड़की लोग जो है जब बच्चा पैदा करती है ना, लड़की लोग जब तक ना बॉडी का जितना हड्डी है सब टूट चुका है, टूटने से जितना दर्द होता है ना ऐसा ही दर्द होता है। और ये आपको शर्म आना चाहिए, तो ऐसा ना करें नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। देखो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। जब लड़कियों के लड़कियाँ ना बाहर जाके काम करती है ना, तो लड़कियों को बोलता है ये गंदा काम करके पैसा कमा रही है, ठीक है। जब लड़कियाँ ऑफिस से देर से वापस आती है तो कहते हैं लोग कि लड़का से मिल के अभी इतना देर से वापस आ रहा है क्योंकि वो लड़का से मिल रहा था। हर टाइम लड़कियों के ऊपर ही ऐसा क्यों आता है, यही मैं आप लोगों आपसे पूछना चाहती हूँ। हमेशा आप लड़कियों के ऊपर ही ऐसा क्यों गंदा कमेंट करती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए लड़कियों के ऊपर ना, कभी भी नहीं करना चाहिए यार। गाइस कमेंट तो इतना सारा ही था, बहुत सारा कमेंट था, लेकिन मैंने अब बोलना ये जरूरी नहीं है क्योंकि इतना खराब खराब कमेंट किया, इतना मैं मतलब नहीं चाहती, लेकिन जो था मेरे आंखों में आया मैंने वो सब का कमेंट कर रिप्लाई दिया। अभी मैं घर जा, मतलब हालत खराब हो गया, फेस वेस पूरा काला वाला हो चुका है। काला होना क्या है यार, जब लोग पसंद करेंगे ना वही ज्यादा जरूरी है ना, वही है। मुझे सब आप लोगों का प्यार चाहिए, काला गोरा आई डोंट केयर। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, दो तीन लोग मुझसे इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप लोग मुझे पसंद करते हो, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो मुझे क्या चाहिए। और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे। जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं ना, उनको मैं मतलब दिखाना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ बोल के, और आप लोग ही मेरे बारे में गलत सोचते हो, लेकिन आप लोग जैसा मुझे सपोर्ट कर रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे और सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच, आप नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए चुप।